मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में एक पिकअप पर 40 से ज्यादा व्यक्ति सवार होकर मेन रोड से जा रहे थे। स्वराज भारत लाइव के संवाददाता दीपक पटेल के हस्तक्षेप से इस गाड़ी को प्रशासन ने पकड़ा। एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है तो दूसरी तरफ यह गाड़ी सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए सफर कर रही थी। इस गाड़ी पर सवार व्यक्ति लीची तोड़ने का कार्य करते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग महिला को देखा गया। सभी जानते हैं कि कोविड-19 वायरस ग्रामीण इलाके में भी प्रवेश कर चुका है। ऐसे में यह दृश्य हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हम कैसे अपने ग्रामीण इलाकों के लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। कांटी थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार अपने क्षेत्र में एक्टिव देखे गए, जिन्होंने स्वराज भारत लाइव के रिपोर्टर का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। ऐसे ऑफिसर से सीख लेना चाहिए अन्य थाना अध्यक्ष को। स्वराज भारत लाइव BR 06-6140 पर देखिए कैसे कमर्शियल गाड़ी पर आम पब्लिक को इस कोविड-19 के थ्रू बैठाया जा रहा है और कैसे करके ये लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उतर रहे हैं गाड़ी से। ये घटना कांटी थाना क्षेत्र की है, लेकिन स्पॉट पर हमारे कांटी थाना क्षेत्र की टीम इनको नरसंगा चौक पर घरे पर उतरते हुए एक बार इंक्वायरी करते हुए थर दबोचा है। हमारे कांटी थाना क्षेत्र की टीम बहुत एक्टिव रही और तुरंत में ही इस गाड़ी को एक्टिवेट किया गया। ये देखिए किस तरीके से ये लोग सब लोग एक ही पिकअप पर बैठे हुए थे, जो कि ना कोई सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक ही पिकअप पर, गाड़ी का नंबर है BR 06-6140 पिकअप। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, उनतीस, तीस, इकतीस, लमसम एक पिकअप पर, एक ही गाड़ी पर 40 आदमी मौजूद थे। लेकिन मेरा योगदान कांटी थाना क्षेत्र का, जो कि नरसंडा चौक पर स्पॉट पर इनको पकड़ा गया। आप देख सकते हैं स्वराज भारत लाइव को किस तरीके से कोविड-19 का सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हुए बच्चे से लेकर के, नवयुवक से लेकर के और बुजुर्ग तक भी इस गाड़ी में तैनात थे। ये देखिए लमसम 40 आदमी एक ही गाड़ी पर, कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हुए कोविड-19 2020। मैं अमित कुमार, स्वराज भारत लाइव से। इस गाड़ी का नंबर है BR 06-6140, जो कि हमारे कांटी थाना क्षेत्र के प्रशासन युक्त एक्सपोर्ट पर इनको नरसंडा चौक पर एक्टिवेट करते हुए पकड़ा गया। और इस गाड़ी को आप कांटी थाना क्षेत्र के थाने के अंदर लिए जा रही है, बाकी जो भी तहकीकात हो वो थाने के अंदर की जाएगी। एक बार फिर से हमें इन पब्लिक को आप लोग के बीच खड़ा कर रहा हूँ। देखिए इसमें काफ़ी मासूम बच्चे लोग भी हैं, छोटे छोटे, जिनके पास मास्क भी नहीं है और इनके गार्जियन भी इनके अवेलेबल के साथ हैं। जाहिद हुसैन, जाहिद हुसैन जी, आप कहाँ से आ रहे थे?
अघोरिया बाजार पुरानी बाजार अघोरिया बाजार नीम चौक अघोरिया बाजार नीम चौक से आ रहे थे आप। वहाँ पर आपकी गाड़ी खाली था या इसी तरह भरा हुआ था? खाली था। खाली था। आप इन लोगों को कहाँ पे बैठा है? कुएं पर बैठाया है, पाँच छः आदमी पीछे से लड़का लोग को मना किए कि नहीं जाओ तुम लोग। कहाँ पे किस चौक पर बैठाए आप उनको? नीम चौक पर बैठा है। नीम चौक पर बैठाए हैं आप। ये नीम चौक, नीम चौक कौन थाना क्षेत्र पर आ रहा है? नीम चौक कौन थाना क्षेत्र पर आ मिठनपुरा काजी महबूब थाना क्षेत्र में। अब वहाँ पर बैठा के पूरे शहर से क्रॉस होते हुए यहाँ तक चले हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं मिला? आपको बाईपास से सर आए हैं? बाईपास है, नीम चौक तो शहर में है ना, बाईपास से आए हैं सर। नहीं तो ये जिम्मेवारी का, ये प्रशासन की, ऐसे भी प्रशासन की स्थिति हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन बताइए, आप इस तरह से काम किए हैं, आप तो रूल रेगुलेशन को तोड़े हैं कोविड-19 का, सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान बन गए। सर सब मास्क पहने हुआ था। हम मास्क पहने हुआ था। आप स्पेस आपके गाड़ी में कितना है जो आप 40 आदमी को गाड़ी पर बैठा लीजिएगा? सब मास्क पहन के जा रहा था, मजदूर आदमी है सर। हाँ मजदूर है, हम समझ रहे हैं मजदूर है, कमाएगा तो खाएगा ना। लेकिन ये आप ही के सुरक्षा के लिए ना किया गया है। जी सर। और ये आपका कॉमर्स मास्क लगा के बोले हैं चढ़ने के लिए, और आपका भाड़ा का गाड़ी है तो आपको तो प्रिफ्रेंस मिला ही हुआ है, बशर्ते कि आपको माल ढोना है। लेकिन आप इसमें आदमी को ढोइएगा सर? लेबर सब लीची जाएगा, नहीं छोड़ेगा तो फिर? हाँ लेबर सब है, हम समझ रहे हैं आपकी बात को कि लेबर है, हम इस चीज़ को नहीं ला रहे थे सर, फिर भी बोला कि भूखे मर रहा है, बलजोरी चढ़ के आया सर। कांटी थाना क्षेत्र स्वराज भारत लाइव, आप देख सकते हैं ये ड्राइवर साहब हमें चार चक्का गाड़ी जो चला रहे थे जिसमें 40 सवार लोग जो लीची तोड़ने के पर्पज़ से अपना कार्य कर रहे थे,